हेलो आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे एमएम MM अप्रोच का एग्जांपल करेंगे और इस एग्जांपल से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एमएम MM अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो कहा गया है कि डिविडेंड पे करने से या ना ही करने से जो, जो है वो फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई इफेक्ट उसका नहीं है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे जैसा थ्योरी ऑफ इरेलीवेंस कहती है कि अगर फर्म डिविडेंड पे करे या ना करे वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है फर्म के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका कोई भी नेट इफेक्ट जो है वो फर्म की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ता तो उसके लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो एबीसी लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज टेन परसेंट तो फर्म जो है वो जिस रिस्क क्लास को बिलोंग करती है वहां का कैपिटलाइजेशन रेट टेन परसेंट है कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसको हमने के ई से जो हमारा के ई की रिक्वायरमेंट है वो टेन परसेंट हो गया इफ इट करेंटली हैज़ आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग फाइव थाउजेंड शेयर्स सेलिंग एट रुपीज हंड्रेड इच तो अभी जो है वो फर्म के पास पाँच हज़ार शेयर्स हैं सौ रुपये का एक सौ रुपये में रहा है एक

एंड द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव अ नेट इनकम ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और फॉर्म की इनकम पचास हजार रुपये है और साथ में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी के पास एक प्रपोजल है जिसमें एक लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है शो दैट अंडर एम एम अप्रोच या एम एम हाइपोथिस या एम एम थ्योरी द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ़ द फर्म तो हमें दिखाना है कि ये जो आपके पास इंफॉमेशन है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमने शो करना है कि जो है फर्म का डिविडेंड पे करने या नहीं करने से कोई भी फ़र्क जो है वो फर्म की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ता तो पहले हम वो कर लेते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म एंड डिविडेंट आर पेड कि जब डिविडेंट पे किए जा रहे हैं तो फर्म की वैल्यू क्या रहेगी तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके लिए दो तीन स्टेप्स रहते हैं हमारे तो सबसे पहले हमें जो है वो मार्केट प्राइस निकालना पड़ता है शेयर का फिर देखना होता है कि कितने शेयर्स इशू किए जाने वाले हैं और उसके बाद हम वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल सकते हैं तो पहले वाला स्टेप कर लेते हम तो पहले वाले स्टेप में जो है वो करंट प्राइस तो हमें दिया हुआ है करंटली सेलिंग एट हंड्रेड रुपीज़ बट हम एट द एंड ऑफ द पीरियड देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड उसका प्राइस कितना होगा अगर फर्म जो है वो डिविडेंड पे करिए तो P1 के लिए फॉर्मूला हमने पहले बताया था आपको कि P1 वन इज इक्वल टू पी जीरो इंटू वन प्लस के ई माइनस डी वन तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तो इसमें जो है वो P1 का P1 तो हमने कैलकुलेट करना है और P0 का मतलब है करंट प्राइस करंट प्राइस जो है अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करंटली सेलिंग एट रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है करंटली सेलिंग एट रुपीज जो है वो हंड्रेड रुपीज का बिक्र है तो पी जीरो हंड्रेड हो गया वन मीन वन प्लस के ई के मैंने बताया था यहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी कहा है तो वो टेन परसेंट बताया टेन परसेंट को हमने डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो हम इसको जीरो पॉइंट वन जीरो लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज माइनस डी वन का मतलब है आपका डिविडेंट तो डिविडेंट जो है वो फर्म ने जो है डी वन वन बताया था कि एट द एंड ऑफ द पीरियड एट द एंड ऑफ द पीरियड एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है वो फॉर्म जो है वो छः रुपये डिविडेंड पे करने वाले है, तो हमने माइनस सिक्स कर दिया और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हंड्रेड इंटू वन प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो आपका वन पॉइंट वन जीरो हो गया बाकी माइनस सिक्स हमने वैसे लिख दिया और हंड्रेड को जब आप वन पॉइंट वन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया आपका वन हंड्रेड टेन माइनस सिक्स और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो पी वन आ गया आपका रुपीज़ वन हंड्रेड एंड फोर तो प्राइस जो है वो एक सौ चार रुपये आ गया कि करंट जो प्राइस है उसका एट द एंड ऑफ द पीरियड वो एक सौ चार रुपये हो जाएगा Then second, हमने था, था number of shares, कितने इशू करने पड़ेंगे फर्म को तो उसके लिए एम से हम करते हैं कितने जो है वो को करने पड़ेंगे एंड ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाई करेंट प्राइस ऑफ द शेयर तो आई इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है फर्म ने फर्म के लिए पास जो प्रपोजल है वो एक लाख रुपए का है वो तो आपको पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखने और दूसरी बात इस फॉर्मूले के लिए वैल्यू जो है वो कौन सी जो है इस क्वेश्चन में से आपने उठानी है तो आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कितने यहाँ पे बता रहे हैं कि वो फर्म के पास इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है वो एक लाख रुपए रुपये इन्वेस्ट करने तो आई हमने जो है वो वन लाख रुपीज ले लिया ये माइनस माइनस आ गया ब्रैकेट uh, हमने लिख दी और देन अर्निंग्स कितनी है फर्म के पास तो so, कंपनी के पास जो है नेट अर्निंग्स जैन नेट इनकम जो है वो फिफ्टी थाउजेंड की कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है हमने फिफ्टी थाउजेंड की अर्निंग्स जो है वो ले ली अर्निंग्स यही थी हमें माइनस एन एन का मतलब क्या बताया था आपको एन का मतलब बताया था कि आउटस्टैंडिंग करंटली आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी कि करंट शेयर्स की करंट नंबर ऑफ शेयर्स की फर्म के पास जो है वो नए शेयर्स इशू करने से पहले कितने शेयर्स अवेलेबल हैं तो फर्म के पास जो है वो शेयर्स अवेलेबल हैं फाइव थाउजेंड शेयर्स हैं तो uh, 5,000 शेयर्स हमने एन ले लिया 5,000 शेयर्स और मल्टीप्लाई करना है इसको डी वन से डी वन का मतलब है करंट डिविडेंड और करंट डिविडेंड जो है वो सिक्स रुपीज़ का है उसको मल्टीप्लाई एंड डी वन का मतलब है एन मल्टीप्लाइड बाई डी वन तो एन को जो है हमने नंबर ऑफ शेयर को करंट डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करना है करंट मार्केट प्राइस से करंट मार्केट प्राइस हमने जो है उसका एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है वो पी वन जो है एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना है वन जीरो फोर हमने कैलकुलेट किया वो वन जीरो फोर लिख दिया अब आगे इसको आप सॉल्व करेंगे वन लैख मीन्स वन लैख माइनस फिफ्टी थाउजेंड और इसको फाइव थाउजेंड को सिक्स से मल्टीप्लाई किया ये थर्टी थाउजेंड आ गया डिवाइडेड बाय वन जीरो फोर एंड वैक माइनस डिफरेंस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड 30000 थर्टी थाउजेंड इसका जो डिफरेंस है ये आपका फिफ्टी थाउजेंड में से थर्टी थाउजेंड माइनस करके ट्वेंटी थाउजेंड गया डिवाइडेड बाय वन जीरो फोर एंड वन लैक माइनस ट्वेंटी थाउजेंड इज इक्वल टू एट्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड फोर हम इसको चाहें तो एट्टी थाउजेंड को वन हंड्रेड फोर से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं बट ये आपका जो है वो क्लियर नंबर में नहीं आ रहा है क्योंकि आप पॉइंट्स में शेयर इशू नहीं कर सकते आपके शेयर या तो वन होंगे या टू होंगे या फाइव होंगे या टेन होंगे बट कभी भी टेन पॉइंट टू सेवन शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते या टेन पॉइंट थ्री फाइव शेयर इशू नहीं कर सकते तो हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया है कि कितने शेयर्स हमने इशू करने हैं। चाहें तो आप निकाल सकते हैं डेसिमल पॉइंट से उससे फर्म की वैल्यू जब आप मैच करेंगे तो हो सकता है दो चार रुपये ऊपर नीचे हो जाए तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं कितने हमने एट्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड फोर एंड करंट प्राइस जो है उसका वन हंड्रेड फोर रुपीज़ का आ गया है अब थर्ड स्टेप में हमने निकालनी होती है फर्म की वैल्यू फर्म की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि एन इन एन पी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू फर्म को एन पी ओ से लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू एन प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई पी वन माइनस आई माइनस ई डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो एन का मतलब आपको बताया था कि करंटली जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स करंट शेयर्स कंपनी के पास फाइव थाउजेंड है फाइव थाउजेंड लिख लिए एम हमने पिछले वीडियो में निकाला था एट एट्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड फोर और वो हमने एट्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड फोर ऐसी लिख लिया पी वन करंट प्राइस वन जीरो फोर जो है वो पिछले वीडियो में हमने स्लाइड में निकाला था पी वन जो है वो वन जीरो फोर और इसको हमने यहाँ से ले लिया पी जी पी जो है वन जीरो फोर आ गया माइनस आई इन्वेस्टमेंट एक लाख रुपए जो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है ताकि कुछ वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए तो पता रहे कि क्वेश्चन में हमने कहाँ से वो वैल्यू उठाई है तो वन लाख रुपीज़ जो है वो क्वेश्चन में दिए हुए थे वो वन लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जितनी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए वो एक लाख रुपये हमने यहाँ पर ले लिए उसके बाद माइनस किया है किसको अर्निंग्स को अर्निंग्स कितनी थी कंपनी के पास फिफ्टी थाउजेंड की यहाँ पे बोला है ना कि द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फर्म के पास जो है वो फिफ्टी थाउजेंड की इनकम है तो ये फिफ्टी थाउजेंड हमने यहाँ से यहाँ लिख लिए और उसको डिवाइड किससे करना है वन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से वन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये बताया था आपको कैपिटलाइजेशन रेट टेन परसेंट वही टेन परसेंट जो है वो हमने जीरो पॉइंट वन जीरो डेसिमल पॉइंट में ले लिया अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो फर्म की वैल्यू आ जाएगी तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइव थाउजेंड इसका हमने वो ले लिया एल लिया एल लिया तो 104 आ गया 104 से इसको मल्टीप्लाई किया फि फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड आ गया और फिर इसका जो है वो एट्टी थाउजेंड आ जाएगा वो जब आप 104 को 104 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एटी थाउजेंड से तो 1 वन मल्टीप्लाइड बाई एटी थाउजेंड इतना ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई करना है इसको यहाँ पे वन जीरो फोर लिखा हुआ है और इन दोनों का डिफरेंस वन लैख और फिफ्टी थाउजेंड का फिफ्टी थाउजेंड हो गया और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्लस ,00 हो गया, डिवाइडेड बाय बाय फोर माइनस ये डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड था और डिवाइडेड बाय प्लस 1.10. अब हमने क्या किया कि ये सिक्स डिवाइडेड बाय 104 था और मल्टीप्लाई भी वन हंड्रेड फोर से था तो ये वन हंड्रेड एंड फोर एंड वन हंड्रेड फोर कैंसल हो जाएगा आपके पास बच गया सिक्स लैख माइनस फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो इन दोनों का डिफरेंस फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो और जब आप इसको डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू रुपीज फाइव लैक तो ये फर्म की वैल्यू आ गई है पाँच लाख ,00 रुपये जब फर्म डिविडेंड पे कर रही है और अब हम निकालेंगे जब फर्म जो है वो डिविडेंट पे नहीं करती है वेन द डिविडेंट आर पेड लिखा है बट वेन डिविडेंट आर नॉट पेड ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब डिविडेंट्स पे नहीं किए जा रहे हैं तो इसमें हमने जो है वो निकालना है जब डिविडेंड्स पे नहीं किए जा रहे हैं डिविडेंड्स आर नॉट पेड तो इन केस की डिविडेंड पे नहीं किया जाता तब उसमें फर्म की वैल्यू कितनी रहेगी तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस ऑफ द शेयर निकालेंगे हम पहले कि इसका करंट एट द एंड ऑफ़ द करंट फाइनेंशियल ईयर कितना प्राइस रहेगा उसके लिए फॉर्मूला वही सेम पी वन इज इक्वल टू पी जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस के ई माइनस डी वन तो पी जीरो कितना है आपका हंड्रेड है यहाँ पे दिया हुआ है आपको करंट प्राइस जो है उसका हंड्रेड है वन मीन्स वन केक्विटी जीरो पॉइंट वन जीरो जो दी हुई थी माइनस डी वन अब हम कह रहे हैं कि डिविडेंड नॉट पेड तो डिविडेंड हमने कंसिडर किया कि जो छे रुपए थे इसको हम कह रहे हैं कि नहीं पे करिए नहीं पे करिए तो दैट मीन्स कि डिविडेंड जो है वो जीरो हो जाएगा और हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय और वन प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट वन जीरो हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर का प्राइस आ गया आपका वन हंड्रेड टेन रुपीज तो वन हंड्रेड टेन रुपीजर का प्राइस आ गया देन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड उसके बाद सेकंड हमने निकालना है कितने शेयर इशू करने हैं तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे फॉर्म को उसके लिए फॉर्मला हमारा एम इज इक्वल टू आई माइनस डिफरेंस ऑफ ई माइनस एंड डी वन डिवाइडेड बाई पी वन तो आई इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वाइर्ड है lakh, कितने और डी वन कितना है कितना है डिविडेंड छुपे छह रुपए नहीं लेना है आपने हम किस बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं जब डिविडेंट पे नहीं किए जा रहे हैं तो डिविडेंट पे नहीं किया जा रहे हैं, तो दैट मीनस की डिविडेंट जो है वो जीरो है और इसको जीरो से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय करंट प्राइस करंट प्राइस हमने यहाँ पे निकाला है वन हंड्रेड टेन अगर डिविडेंड पे नहीं किया जा रहा है इसको आप सॉल्व कर लेंगे वन लाख माइनस इसका डिफरेंस जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा और फिफ्टी थाउजेंड जीरो माइनस किया तो फिफ्टी थाउजेंड ही रहेगा तो वन लाख माइनस फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड टेन और इसका जो है आंसर आ गया आपका फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड 10. तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा इसलिए मैंने निकाला नहीं है, इसको, में निकालने से फिर आगे में जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स में निकाल सकते हैं देन उसके बाद वैल्यू फॉर्म निकालनी है फॉर्मूला एन पी ओ इज इक्वल टू एन प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई पी वन माइनस आई माइनस ई और इसको डिवाइड करना है

तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वन लाख रुपीस अर्निंग्स हैं कंपनी की फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ये हमने ले लिया और डिवाइड बाय वन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने ले लिया अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका फाइव थाउजेंड और इसका हमने जो है इसका बेस वन लिया और एल लिया वन आ गया इसको वन से मल्टीप्लाई किया फाइव आ गया और यहाँ पर जो है वो 110 को 110 से डिवाइड किया वन और वन से मल्टीप्लाई किया इसको तो 50,000 को वन से मल्टीप्लाई किया 50,000 आ गया तो जैसे आप स्कूल टाइम में करते थे एलसीएम लेके तो यहाँ पर जब हमने एलसीएम ले लिया इसका बेस कुछ नहीं है तो इसका बेस वन आ जाएगा वन और वन का जो है एलसीएम वन और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 110 हंड्रेड टेन आ गया यहाँ पे कुछ नहीं था तो वन से डिवाइड किया तो 110 110 को फिर 5000 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया फाइव लैख फिफ्टी प्लस और इसको 110 को 110 से डिवाइड किया आ गया आपके वन हंड्रेड टेन से मल्टीप्लाई किया 50, हमने पिछले वाले भी किया था और मल्टीप्लाई करना इसको 110 से इसका डिफरेंस ये ये आ गया 50, और one plus one, ये गया और डिवाइड हो आपका 1 इन दोनों का टोटल ये हो गया six lakh, divided by 110, और माइनस फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन जीरो इज इक्वल टू अब ये वन हंड्रेड टेन और वन हंड्रेड टेन जो है ये डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए एक आंसर हो जाएगा आपके पास बच गया सिक्स लाख माइनस फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन जीरो दोनों का डिफरेंस लिया फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड और डिवाइड करना है वन पॉइंट वन जीरो से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास फाइव लैख तो यानी कि प्रूव हो गया आपका कि अब आप देख सकते हैं कि हेंस वेदर द डिविडेंड आर पेड और नॉट द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेंस रुपीज फाइव लैख तो यहाँ पर हमने जो है वो डिविडेंड नहीं पे किया था तब भी फर्म की वैल्यू पाँच लाख है और डिविडेंड पे करा था तब भी जो है वो फर्म की वैल्यू कितनी रही थी पाँच लाख रुपये रही थी तो इससे जो है वो क्लियर हो जाता है कि एम एम अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर फर्म जो है वो डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है दोनों केसेस में जो है Uh, दोनों केसेस में फर्म की वैल्यू जो है वो सेम रहती है तो कहने का मतलब कि डिविडेंड्स जो है वो फर्म की वैल्यू को इन्फ्लुएंस नहीं करते फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते और वो जो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच कह रही है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है उसने सपोर्ट करके दिखाया उसको प्रूव करके दिखाया बट कैलकुलेशन जो है वो इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू होगी स्टेप्स यही रहेंगे सबसे पहले आप प्राइस निकालेंगे शेयर का दूसरे नंबर पे आप निकालेंगे कितने शेयर इशू करने हैं और तीसरे नंबर पे जो है वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे Okay then, thank you.